24/7 teachers training, a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मोहतरम टीचर। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन पहली जमात की वाकिफियत आम्मा के बाब नंबर 2 पर है। उन्वान है मेरा जिस्म। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात तालुम पर। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि इंसानी जिस्म के अहम आज़ा के नाम बता सकें, यानी आँखें, कान, नाक, मुंह, हाथ, बाजू, पांव और टांगें, जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के कामों के मुतालिक जान सकें। पांचों इंसानी हिस्सों यानी सेंसेस के नाम बता सकें। उन आज़ा की निशानदेही कर सकें जो उन्हें चखने, छूने, सूंघने, सुनने और देखने में मदद देते हैं। पांचों हिस्सों के मुतालिक बयान करने के तरीके जान सके, यानी चखना, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, छूना, मुलायम, सख्त, नरम, खुरदरा, ठंडा, गर्म, सुनना, ऊंचा, धीमा, कम, ज्यादा, देखना, रोशन, मध्यम और रंगों की पहचान, और सूंघना यानी खुशबू, बदबू वगैरह। बच्चों को बाप के उनवान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, बाप के उनवान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज ज़ैल निकात पेश हैं। ताहम ये हरफ आखिर नहीं हैं। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जस्तजू जारी रहनी चाहिए। मैं मोहतरम टीचर यहाँ तवक्कुफ़ कीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपसे गुजारिश कर दूं कि ठीक है, ये ट्यूटोरियल करते हुए हर बाब के आगाज़ में हासिलात तालुम पढ़ने के बाद मैं आपके लिए एक तमहीद तजवीज़ किया करूँगा, लेकिन मैं यहाँ ये जो जुमले हैं दो कि ठीक है तमहीद उठाने के लिए दर्ज ज़ैल निकात पेश हैं, लेकिन इसके बाद जो दो जुमले हर ट्यूटोरियल में आपको नज़र आएंगे, मैं इसका मतलब और इसकी वजाहत पेश करता हूँ। ताहम ये हर्फ आखिर नहीं हैं। इसका मतलब है कि मैं जो कुछ भी तमहीद उठाने के लिए आपको तजवीज़ दूंगा, ये कोई परफेक्ट नहीं है। दिस इज़ नॉट द लास्ट वर्ड, दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट एंड दिस इज़ नॉट द फाइनल वर्ड। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जस्तजू जारी रहनी चाहिए। ये बिलवास्ता तौर पर आपसे ये एक असल में गुजारिश की गई है, आपको याद दिलाया गया है कि आप अपने आप को भी वैल्यू करें। ऐन मुमकिन है, बल्कि ये होना चाहिए कि आप, मैं जो तमहीद आपके लिए तजवीज़ कर रहा हूँ, आप उससे भी बेहतर तमहीद आप तैयार कर लें। लेकिन आप सोचेंगे तो फिर ये ना, ये कभी मत कीजिएगा कि जी ये चले ट्यूटोरियल में ये तमहीद तजवीज़ कर दी गई है तो बस इसके बाद हमारा काम ख़त्म। इस पे इक्तफा मत कीजिएगा, सोचते रहिएगा आपको कोई वाक्या, कोई बात, कोई इस्तिलाह, कुछ भी ऐसा आप सोचें जो आप तमहीद में इस्तेमाल कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। इसको तब्दील कर सकते हैं आप, इससे बेहतर तमहीद आप लिख सकते हैं। आइए हम तमहीद की बात करते हैं। बच्चों से पूछें कि सर, मुंह, हाथ, पांव, बाजुओं और टांगों वगैरह के लिए कौन सा एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी ये जो हमारे हिस्से हैं, ये सारा कुछ सर से लेके पांव तक, इन सारी चीज़ों के लिए इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो कौन सा एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। पहली जमात के बच्चे हैं, जाहिर है अभी वो इतना सोचना और बोलना नहीं शुरू करते, तो जहां आप देखें कि वो सोचने में ही लगे हुए हैं तो फिर आप, लेकिन उनको मौका ज़रूर दें, उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करें, और कोई भी वो जवाब दें तो उनको आप रद्द मत करें कभी भी। हाँ ठीक है,
लेकिन आप फिर बता सकते हैं कि बच्चों इन सब चीज़ों के लिए जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं जिस्म। अच्छा, यहाँ मैं एक और, ये कुछ बातें शुरू में ही हम कर रहे हैं, बाद में शायद मैं ना करूँ, कि देखिए है तो ये मज़मून वाकिफियत आमा लेकिन उर्दू ज़ुबान में है, तो कोशिश कीजिएगा मोहतरम टीचर कि आप ये बच्चों की जो बोलने की सलाहियत है उसको भी आप ध्यान में रखें। और इसके लिए जाहिर है सबसे अच्छा ज़रिया ये है कि आप ख़ुद अगर सही तलफ़ुज़ के साथ अल्फाज को बोलेंगे तो बच्चे सुन के फिर खुद ही सीख जाएंगे, जहाँ किसी ख़ास लफ्ज़ को ख़ास तरीके से पढ़ने की ज़रूरत महसूस करें तो आप बच्चों को ख़ास तौर पर उस लफ्ज़ के बारे में भी बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको तफसील के साथ पहले ट्यूटोरियल में वाकिफियत आमा के बारे में बताया था। सो ये लफ्ज़ जिस्म नहीं पढ़ना, जिस्म पढ़ना है। बच्चों से सवाल करें कि क्या उन्हें जिस्म के सब हिस्सों के नाम आते हैं, और ये मैंने इरादतन ये सवाल शामिल किया है इसलिए कि हालांकि पहली जमात के बच्चे 7-7.5 साल के तो हो ही जाते हैं, लेकिन बहुत जिस्म के बहुत से हिस्से हैं जिनके उनको नाम नहीं पता। मिसाल के तौर पर कोहनी, आप अपनी कोहनी की तरफ इशारा करके उनको उनसे पूछिएगा कि इसे क्या कहते हैं। फिर ये बड़ा एक ख़ास लफ्ज़ है, बाज बड़ों को भी नहीं आता, कि नथनों की तरफ, नॉस्ट्रिल्स जिसको कहते हैं, इशारा करके उनके नाम पूछें। बच्चों को बताएं कि उनका अगला सबक या बाब इंसानी जिस्म के मुतालिक है, और फिर बच्चों को इस बाब के दर्ज ज़ैल मशमूलात से आगाह करें। जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा और उनके काम, 5 हिस्सों के नाम और उनके काम, ये 2 ही मशमूलात हैं जिनके बारे में आप बच्चों को बताएंगे कि हम अगले बाब में इनके मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं। अब आते हैं हम फरहंगे अल्फाज व मानी की तरफ। आज़ा, उज्व की जमा, मानी हिस्से, तस्वीर, तस्वीर की जमा तस्वीरें, हसीन खूबसूरत, मध्यम न कम न ज्यादा। आप इस लफ्ज़ की वजाहत के लिए बच्चों को रोशनी की मिसाल दे सकते हैं कि बाज़ुकात हम रूम लाइट के लिए रात सोते वक्त 0 का बल्ब इस्तेमाल करते हैं, तो वो मध्यम रोशनी के लिए करते हैं। पढ़ने के लिए हम टेबल लैंप फर्ज करें इस्तेमाल करते हैं तो वो तेज़ रोशनी होती है। रेशम, मुलायम धागा, कपड़ा तो बाद में बनता है। अब रेशम की मिसाल आप दे सकते हैं रेशमी कपड़े की मिसाल देकर कि रेशमी कपड़ा जो होता है सिल्की, सिल्की क्लॉथ, हाथ उसको लगाएं तो बड़ा मुलायम नज़र आता है, उसको रेशम कहते हैं। खुरदरा, तानेदार या ऊंचा नीचा, रफ, आप सड़क की मिसाल देकर बच्चों को समझा सकते हैं कि जो सड़क में कुछ गड्ढे पड़े हुए हों छोटे छोटे या ऊंची नीची हो जाए उसको रफ रोड कहते हैं। तो खुरदरा, कोई चीज़ भी खुरदरी हो सकती है, कपड़ा खुरदरा हो सकता है। चखना, अब देखिए ये लफ्ज़ बड़ी अच्छी मिसाल होगा, जैसे मैंने कहा था ना कि अब चखना लफ्ज़ के मानी किसको नहीं आते, बच्चों को भी आते हैं, उनको पता तो है चखना, लेकिन इसके जब आप मानी बताएंगे तो फिर आपको बाज़ुकात मुश्किल पेश आ सकती है कि मैं कौन से अल्फाज में इस लफ्ज़ के मानी बताऊं। अब हो सकता है कि अजीब बात है, चकना चकना के मानी चकना, लेकिन नहीं, ये मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने इन अल्फाज के मानी लुगत में से देख कर लिखे, चूंकि लुगत में तो हर लफ्ज़ के मानी मौजूद है। अब चकना के मानी आप बच्चों को बताएंगे कि ज़रा सा खा के देखना कि कोई चीज़ कैसी है, ये चखना होता है। हम जमात, उसी जमात में पढ़ने वाले बच्चे, क्लास फेलोज अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं, बल्कि अंग्रेज़ तो क्लास फेलो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते ही नहीं, क्लास मेट कहते हैं। अच्छा, यहाँ भी मोहतरम टीचर में जो मतन से मुतालिक तशरीहात वाला हिस्सा है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए
कि मुझे कोई इसमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसको जिसकी तफसील के साथ ज़िक्र किया जाए जिसका। लिहाजा फरहंगे अल्फाज मानी में और वो लफ्ज़ है हिस, हिस्सें लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, पांचों हिस्सें। अब हिस जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंस, और किताब में भी ब्रैकेट में सेंस लिखा हुआ है। लेकिन सेंस के मानी क्या है इस मामले में, इस कॉन्टेक्स्ट में? हिस के मानी है महसूस करने की कुव्वत। अब जैसे छूना हिस है, तो आप किसी चीज़ को छू कर देखते हैं। मिसाल आप ये दे दीजिए बच्चों को इसका मतलब बताते हुए कि हमें अगर पता नहीं है कि पीने की कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ठंडी या कितनी ज़्यादा गर्म है, तो हम हो सकता है उसको छू कर देखें, तो छूने से मालूम होगा कि वो ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है। अब ये जो कुव्वत है छू कर देखने की, इसे हिस कहेंगे। सरगर्मियाँ और अमली काम। पहली सरगर्मी है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर बनाना और उनके नाम लिखना। यह है सफ़ा नंबर 9 पर सरगर्मी है और इसका हासिल ताल्लुम है नंबर 3। अब ये इस सरगर्मी में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की बच्चे तस्वीर बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। इसमें आप जिस्म के हिस्सों का इंतखाब जो है ना, ये बच्चों पर छोड़ दें कि वो जिस्म के कौन से हिस्से का इंतखाब करते हैं और फिर तस्वीर बना लें। इसके बाद जो लोग देख बोल या सुन नहीं सकते, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, ये ज़रा सोचें के तहत है। और ये चूंकि बहुत अहम सवाल है, इसलिए इसको मैंने सरगर्मी में बदल दिया है। इस पर आप बेहतर होगा कि जिसको हम कहते हैं कि मुतफिक का गौर व खौज करवाएं, ब्रेन स्टॉमिंग करवाएं। पहले तो ब्रेन स्टॉमिंग यकीन है कि आपको मालूम होगा कि क्या होती है और कैसे कराई जाती है। एक सवाल उठा दिया जाता है और बच्चों से कहा जाता है कि जो कुछ भी उनके दिलो दिमाग में आता है वो बोल सकते हैं, और फिर आप जो निकात सामने आते हैं उन पर लिखना शुरू कर देते हैं बोर्ड पर, और फिर इसका मतलब है कि फाइनली आपके सामने कुछ निकात आ जाते हैं। तो पहले तो आप बच्चों को बताएंगे कि इस मुतफिक का गौर खौज का तरीका क्या है, और फिर तीनों हिस्सों के हवाले से बारी बारी गौर खौज कराएं। क्योंकि इसमें ज़रा सोचें के तहत तीन हिस्सों का जिक्र है, देखना, बोलना और सुनना, तो उनकी हम मदद कैसे कर सकते हैं। इसके बाद अमली काम है स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों में जाना और नोट करना कि कौन कौन सी चीज़ देखी। अब ये काम देखें, बाज़ुकात किताब में कोई सरगर्मी ऐसी दे दी जाती है, मगर वो अमली तौर पर जिस तरह किताब में लिखा होता है ना, उस तरह ऐन उस तरह करना मुश्किल होता है। ये आप खुद इसको तब्दील कर सकते हैं और अपनी सहूलत के मुताबिक कुछ काम कर सकते हैं। इस सरगर्मी के लिए, इस अमली काम के लिए, आप बच्चों को बगैर इस काम के लिए भेजे ये सरगर्मी करवाई जा सकती है। बच्चों को बारी बारी जमात के सामने बताने का कहें कि वो क्या क्या देखते हैं। मोहतरम टीचर, ये सेशन यहाँ तक ही। आपकी समाअत का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।